हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल रेसिपी विद सीमा। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ हलवाई स्टाइल खस्ता दाल कचौरी। चलिए शुरू करते हैं। ये कचौरी खाने में बड़ी टेस्टी लगेगी और ये आपको एकदम हलवाई स्टाइल टेस्ट मिलेगा। ये कचौरी बनाने में आपको सिखा रही हूँ बड़ी सिंपल तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ली है मूंग दाल, जो मैंने 3 घंटे पहले भिगो दी थी। अब ये थोड़ी सी फूल गई है। अब मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल के मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 4 हरी मिर्ची और 1 टुकड़ा अदरक का, जो मैंने रफली चॉप किया है। ये डाल के मैं दाल को रफली पीस लूँगी। मैंने दाल रफली पीसी है, इसमें दाल के दाने दिख रहे हैं। हमें ऐसी ही दाल चाहिए कचौड़ी बनाने के लिए। अब मैं इसे सेकूंगी। उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून तेल गरम कर लिया है। इसमें मैं ऐड करूंगी 2 सूखी लाल मिर्ची, 1 तेज़पत्ता, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच हींग। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी दाल। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। ये जीरा मैंने घर में भुना है, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब मैं दाल अच्छा से सेक लूँगी। ये दाल एक बार जमी जमी लगती है, लेकिन ये धीरे धीरे खुल जाएगी और ये खिली खिली हो जाएगी। इसे हमें अच्छा से भूनना है गैस की फ्लेम कम करके। मैंने इसे 5 से 7 मिनट कम फ्लेम में भुना है। देखिए अब दाल खुलने लगी है। मैंने अभी तक इसमें नमक नहीं डाला है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। फिर मैं इसे अच्छा से एक बार चला लूंगी। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच गरम मसाला और कुछ कस्तूरी मेथी, जो मैंने हाथ से क्रश करके डाली है। हमारी दाल अच्छा से भुन गई है। अब मैं इसे एक प्लेट में खाली कर लूँगी और इसे ठंडा होने तक रख दूँगी। अब हम लगाएंगे कचौरी के लिए डो। उसके लिए मैंने लिया है 1 कप आटा, 1 कप मैदा। इसमें मैं ऐड करूँगी नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट और मैं आटा मैदा अच्छा से मिक्स कर लूँगी हाथों की मदद से। मैंने अच्छा से आटा मैदा मिक्स कर लिया है। अब मैं गुनगुना पानी से इसका एक अच्छा सा डो लगा लूँगी। मैंने नमक अच्छा से मिला लिया है। अब मोयन के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ घी। घी मैं एक बार 5 चम्मच डालूँगी, फिर चेक करूँगी इसमें और दरकार पड़ेगी तो मैं और यूज़ करूँगी। मैंने घी आटा में अच्छा से मिला लिया है और मैं मुट्ठी बांध के देखूंगी। अगर हमारी मुट्ठी बन रही है तो घी ठीक है, हमारी मुट्ठी नहीं बन रही है तो मैं इसमें 2 चम्मच घी और डालूंगी। अब हमारी मुट्ठी बन रही है, ये परफेक्ट है, इतना ही घी इसमें लगेगा। अब मैं इसका अच्छा सा डो बना लूंगी। डो मेरा बन गया है। अब मैं इसे 1/2 घंटा रेस्ट में रखूँगी। थोड़ा सा घी का हाथ लगा दिया मैंने इसमें और ऊपर से कवर करके मैं इसे 1/2 घंटा रेस्ट में रखूंगी। हमारे आटे ने भी अच्छा रेस्ट ले लिया है। एक बार और मैं इसे अच्छा से मलार के फिर इसकी छोटी छोटी लोई तोड़ के पेड़े बनाऊंगी। मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बना रही हूँ।
मैंने आटे से इसे डस्ट किया है और मैं थंब की मदद से इसके एक कप शेप में ले लूँगी, इसे कप शेप बना लूँगी। दोनों थंब की मदद से मैं कप शेप बना रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी एक चम्मच हमारा दाल का मसाला, और इसे मैं थंब की मदद से मसाले को इसमें दबा दूंगी और चारों तरफ से इसे पैक कर दूंगी। हमारी कचौरी बन गई है और हथेली की मदद से मैं इसे दबा दूंगी। हमारी कचौरी ऐसे बन गई है, ऐसे मैं सारी कचौड़ियाँ बना लूँगी। एक और मैं आपको बता रही हूँ, सेम प्रोसेस से मैंने डो लिया, उसकी कटोरी बनाई, फिर इसमें एक चम्मच दाल डाली और हाथों की मदद से इसे फोल्ड किया और इसे दबा दिया, रोल करके इसे दबा दिया। कचौड़ी हमारी बन गई है। अब चलते हैं कचौड़ियाँ फ्राई करने के लिए। ऐसे ही मैंने सारी कचौड़ी बना ली है। फ्राई करने के लिए मैंने तेल ऑलरेडी गरम कर लिया है। हमें कचौड़ी बनाने के लिए तेल ज़्यादा गरम नहीं चाहिए, ये हल्का गरम होते ही हम कचौड़ी डाल देंगे और सीम गैस में हम फ्राई करेंगे। इन्हें फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हमें कचौड़ी बनाने के लिए पेशेंस चाहिए। ये सीम गैस में अच्छा से फूलेगी। मेरी कचौड़ी एक तरफ सीक गई है, इसलिए मैंने इसे टर्न कर दिया। देखिए कितनी सुंदर फूल रही है। 5 से 7 मिनट मैंने सीम गैस में एक तरफ सेका है। दोनों तरफ सेकने में मुझे कचौड़ियाँ 15 मिनट लगी है। देखिए कितनी सुंदर फूली है। हमारी कचौड़ियाँ अब रेडी है। ऐसे ही मैं अपनी सारी कचौड़ी बना लूँगी। कचौड़ी के साथ खाने के लिए मैंने कुछ मिर्ची भी फ्राई की है। हम हलवाई स्टाइल कचौड़ी बना रहे हैं, इसलिए इसका एकदम सेम टेस्ट आएगा। मैंने ये सर्व की है खट्टी इमली चटनी के साथ और तीखी मिर्ची के साथ। मेरी कचौड़ी काफ़ी खस्ता है, मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, और इसका मसाला भी काफ़ी टेस्टी है। ये कचौड़ी आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बड़े से लेके